कबीर के पद पढ़ाऊंगा। कबीर के पद में पहले कबीर का जीवन परिचय, कबीरदास का जन्म, संत कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वे स्वयं कहते हैं, शशि कयाद छुओ नहीं कलम, गाही नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कगार थी लखी। इनका देवासन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक, जिसमें साखी शबद एवं रमेनी संकलित हैं। साहित्यिक परिचय। कबीरदास भक्तिकार की निगुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधित्व कवि है। इन नाथों सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति वेद वर्ण वेद संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमाची थे। बन पढ़ तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। पाठ का सारांश। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा, ज्योति के रूप में स्वीकारा तथा उसकी व्यक्ति चराचर संसार में दिखाई। इस व्यक्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि अपनी पवन प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाड़ी लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काटता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे पद में कबीर ने ब्राह अंडाम्बरों पर चोट करते हुए अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों ब्राह अंडाम्बरों में उलझे हुए हैं। नियम धर्म टोपी माला छाप तिलक पीर ओलिया
पत्थर पूजने वाले और पुराण की व्याख्या करने वाले। खोखले गुरु शिष्य को अंडावर बताकर उसकी निंदा की गई है। का प्रसंग है, बच्चों अपन को ये ध्यान रखना है गद्य और काव्य में अंतर क्या होता है। प्रसंग ऐसे देते हैं, कोई भी गद्य से आता है या काव्य से आता है, तो हमें ये ध्यान रखना है यदि मान लो काव्य से आया है तो प्रसंग प्रस्तुत इस प्रकार करेंगे कि प्रस्तुत काव्य हमारे हिंदी के आरोह भाग एक से लिया गया है। इसके काव्यकार हैं कबीर दास जी या कवि हैं कबीर दास जी द्वारा रचित है। कबीर की दृष्टि में एक ईश्वर है, वे ईश्वर का अंश मानते हैं। कबीर कण कण में ईश्वर की सत्ता को देखते हैं। काव्य एक की व्याख्या है, कबीर दास जी कहते हैं हम तो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। जो लोग इनको पृथक पृथक बताते हैं उनके लिए दोजख नरक जैसी स्थिति है, वे वास्तविक को नहीं पहचान पाते। हवा भी एक है, पानी भी एक है, एक ही है और सभी में एक ही ज्योति प्रकाश समाई हुई है। इसी प्रकार ईश्वर भी है और वह भी सभी में समाया हुआ है। कबीर और उदाहरण देकर बताते हैं कि एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। मिट्टी एक है, बर्तनों का आकार भले ही भिन्न भिन्न हो, इसी प्रकार हमारे आकारों में विभिन्नता हो सकती है, पर सभी के मध्य जो आत्मा है उसी परमात्मा का अंश है। इन बर्तनों को गढ़ने वाला कुम्हार भी एक ही है, उसी ने मिट्टी को सान कर ये बर्तन बनाए हैं। इसी प्रकार एक ही ईश्वर है, ईश्वर ने हम सबको लोगों को एक ही प्रकार के तत्वों से बनाया है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटता है, अग्नि को कोई नहीं काट पाता, इसी प्रकार शरीर को तो नष्ट हो सकता है पर इसके भीतर समाई आत्मा को कोई नहीं काट सकता। सभी लोगों के हृदय में तू ही है, अर्थात परमात्मा ही समाया हुआ है, चाहे स्वरूप कोई भी धारण किया गया हो। यह संसार माया के वशीभूत है, माया बड़ी ठगनी है। माया को देखकर संसार लोभाता रहता है। मनुष्य को माया पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य निर्भय बन जाता है तब उसे कुछ भी नहीं सताता। कबीर भी निर्भय हो गया है, वह तो अब दीवाना हो गया है। विशेष आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। नंबर दो, एक ईश्वर की मान्यता प्रतिपादित की गई है। नंबर तीन, अनुप्रयास अलंकार कष्ट ही काटे, स्वरूपे सोई काहे कबीर। चौथा, उदाहरण देकर स्पष्ट की गई है। पांचवा, साधु ककड़ी भाषा का प्रयोग है। अब एक की पद एक की व्याख्या आपके सामने की गई है, उसका अच्छे से अध्ययन करिए आप। और नेक्स्ट समय मैं आपको पद दो की व्याख्या के बारे में बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।